मिस यूनिवर्स हरनाल संधू का पंजाब पहुंचण ते स्वागत किया गया ते इस तों पहला वीरवार नूं उन्होंने चंडीगढ़ दे विच मीडिया नाल गलबात की ते इसे दरमियान उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बारे दस्या ते इत्थे पहुंच के उन्होंने अपनियां फिल्मां बारे भी जानकारी दित्ती ते नाल ही इह वी दस्या कि उह किस तरह इस खिताब तक पहुंचे। इसे दरमियान पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल भी हरनाल संधू ने मुलाकात की ते नाल ही उन्होंने दस्या कि उन्हां दी इस पूरी सफलता दे पिछे उन्हां दे पूरे परिवार ते मित्रां दा साथ। आई थिंक आप सी एम सर से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझसे मिलकर, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं पंजाब के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। सो इट्स अनलिमिटेड एंड सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग ड्रग्स, मेंशुअल इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड वी कैन डू सो मेनी इंक्रेडिबल थिंग्स। सो डेफिनेटली आई नीड यू गाइस टू सपोर्ट। अमृतसर दी लस्सी, अमृतसर दे पापड़ ते छोले भटूरे मैं खा नहीं सकती हाँ, पर आई थिंक गोल्डन टेंपल का प्रसाद। चंडीगढ़ में आई थिंक काफ़ी कुछ खुल गया है, 6 महीने हो गए मुझे, बट चंडीगढ़ में आई थिंक मैं मम्मा के हाथ के खाना खाना चाहूँगी और थोड़ी और मे बी सेक्टर 17 इधर मुझे मौका नहीं मिलेगा आपको बता रही हूँ, बट क्योंकि मुझे मौका मिलता मैं सेक्टर 17 जाती, 35 जाती, एक्सप्लोर करती। And I'm sure it's many with everyone. We have different struggles. We have different lifestyles. We have different bodies and mindsets. But our vision is that we want to do something impactful for ourselves and society. के लिए. So, मेरे लिए I think pre-teens में start हो गया था when I was bullied the way I used to be bullied to them. And I think जब मैं Miss India में थी 2019 में मैं सिर्फ 19 साल की थी और मुझे stage पे एक question पूछा था और मुझे जवाब नहीं देना आया उस time. सो वो मेरे अंदर एक आग जली कि मैंने अपने आप से प्रूव करना है कि आई वॉज रॉन्ग, कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस और आर्टिकुलेट करने के लिए। सो जब मैं इस बार आई मिस डीवा के लिए मैं ये सोच के नहीं आई कि मैं जीतना चाहती हूँ, ना ही मिस यूनिवर्स में, मैं ये सोच के आई कि आई एम माई ओन कॉम्पिटिशन और मैंने अपने आप से जीतना है और अपने आप को हराना है कि नहीं। वो हरनाज चेंज हो चुकी है, उसने अपने फेलियर से सीखा है, वो आगे बढ़ चुकी है और जब तक मैं अपने आप एम्पावर नहीं फील करूँगी तो मैं लोगों को कैसे एम्पावर फील करूँगी। सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम विदिन। बिल्कुल, आई थिंक पंजाब विच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स बारे, ऐसे ही गल कर रहे थे सर ने भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस अपने दसे एंड मेरी जो विजन अपनी लाइक ऐसी डिस्कस की थी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि किदा मैं सर का साथ दे सकाँ एंड अपनी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकाँ एंड पंजाब में कुछ खास कर सकाँ क्योंकि मैं पंजाब की थी। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू, आई थिंक यू हैव बीन वेरी गुड। यस, दस दईए कि हरनाज कौर संधू दे सर ते पिछले साल मिस यूनिवर्स दा ताज सज्जे सी ते इस तों पहला मिस दीवा यूनिवर्स ओ रह चुकी है ते मूल रूप तों गुरदासपुर दी रहण वाली है। फिलहाल ओ अपने परिवार दे नाल खरड़ दे विच रहिंदी है ते हरनाज कौर दी मां पेसे तों एक डॉक्टर है जो कि सोहाणा अस्पताल दे विच काम करदी है। जगवाणी टीवी ने चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट।